मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ, इसलिए इनको समर्थन कर देता था। लेकिन जब इनका कारनामा वास्तव में पूरा सरकार बनने के बाद जो देखने को मिला, तो यही देखने के लिए मिला कि अरे यार, ये सरकार तो हमारे जान पर भूखी है। क्योंकि मन की बात लोग अपनी औरत से करते हैं, जो गोपनीय बात होती है वो मन की बात जनता से करते हैं, केवल गुमराह झूठा भी करते हैं। उनसे झूठे कोई प्रधानमंत्री आज तक हो ही नहीं पाया। चीन के विषय में कोई बात नहीं करते हो, चीन को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, वो हम क्या आरएसएस वाले बेच रहे हैं, पूंजीपति ये भाजपा सरकार बेच रही है, हम कतई स्वीकार इसको नहीं करेंगे, इसकी सरकार सत्ता में रहे। वो इतने झूठे हैं, कहते हो तो गिनती गिन रहे थे कि हर दिन, हर हफ्ते में यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 15 दिन में एम्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके बयान आए। भाजपा और आरएसएस देश की इतिहास चीज बनने जा रही है, अब दोबारा ये लौट कर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ये देश के लिए खतरा है। मोदी जी कह रहे हम दोबारा, अरे वो कहते रहे वो तो सत्तानी सकता रहे हमारे, वो झंडे की सत्ता जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो कैसी बात करते हैं। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, वो 74 साल को हो गए, 75 साल की रिटायरमेंट रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री टीवी। हम इस समय फूलपुर में, फूलपुर तहसील में, फूलपुर की जनता का क्या रुझान है, फूलपुर जनता किन मुद्दों से चुनाव में वोट करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, वर्तमान सांसद ने क्या काम किया, आने वाले समय में किसको सांसद बनाएंगे, बीजेपी सरकार में क्या काम हुए, उससे पहली सरकारों क्या हुए, आगे पीछे का सारा हम बात करेंगे यहाँ के अधिवक्ता लोगों से। अधिवक्ता बैठे हैं तहसील में, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फूलपुर में क्या माहौल है, किन मुद्दों से चुनाव में वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय बहादुर कुशवाहा, एडवोकेट। फूलपुर में क्या माहौल है? फूलपुर में तो इस समय जो माहौल है, यहाँ सपा की बयार बह रही है, इंडिया गठबंधन की बयार बह रही है। क्यों बह रही है? इसलिए बह रही कि लोग यहाँ बेरोजगारी से महंगाई से त्रस्त है। और दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी ये कहते हैं कि हम 400 पार, तो इनका मकसद ये है कि ये इस देश से लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, इनका इतना ही मकसद है। इसलिए कि आज ये संविधान ना होता तो हम लोग ये काली कोट कर पहन करके आप सामने बोलने के अधिकारी ना होते। क्योंकि इनके मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो भी शूद्र अगर वेद पढ़ता है तो उसके कान में शीशे के लाह गरमा के ठूस दिए जाए, और जो वेद का उच्चारण करता है, अगर वेद का उच्चारण करेगा तो उस शूद्र की जिभवा काट ली जाएगी। और इतना ही नहीं, आज जब देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया देश में, संविधान की बात हो रही है, तो आप उन लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि जो आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, जो 400 पार की बात कर रहे हैं, इनके 400 पार का मतलब समझिए। क्योंकि अगर 400 पार ये चले गए तो लोकसभा में भी इनकी बहुमत हो जाएगी और राज्यसभा में भी इनकी बहुमत हो जाएगी। इसलिए मनुवादी व्यवस्था, लोकसभा में तो अभी दो बार से बहुमत है, बहुमत है हम मानते हैं, लेकिन 400 जब यहाँ आ जाएंगे तो बगैर रोक टोक के हो जाएंगे ना, कोई रोकेगा टोकेगा? जैसे इस बार जो है 147 सांसदों को इन्होंने बाहर निकाल के सारे जो है ऑर्डिनेंस अपना पास कर लिए, कानून बना दिए। तो इनका मकसद इतना ही है कि संविधान को और लोकतंत्र दोनों को खत्म करने की इनकी नियत है। इसलिए हम लोग इनको कतई वोट नहीं करेंगे। हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है तो सपा और क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन को ही वोट हम लोग करें। चलिए, अधिवक्ता का संविधान और लोकतंत्र के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन वोट। और लोगों से बात करें, क्या कहेंगे जी इस फूलपुर लोकसभा में वर्तमान सांसद के काम से, कितने आप लोग? फूलपुर के वर्तमान सांसद जी ने किसी भी सब्जेक्ट पर काम नहीं किया, और इनकी पार्टी की जो नीतियां हैं, नीतियों के तहत एमपी भी काम कर रहा था फूलपुर का, रोजगारी बेरोजगारी शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है,
हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी के दायरे में था, 40 किलोमीटर का रेंज लिया गया था, ये 30 किलोमीटर पर आता है शहर से। आप निकल करके देख लीजिए, एक भी तरफ स्मार्ट बन गया हो तो बताइएगा। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी के नाम ही नाम रहा लेकिन बना नहीं, बना नहीं, नाम ही नाम रहा मगर बना नहीं। प्रधानमंत्री जी के झूठे वादे से 10 साल से जनता बहुत परेशान है, महंगाई को लेकर, शिक्षा के स्तर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चिकित्सा के स्तर को लेकर, पूरी तरह से किसी भी मामले में मोदी सरकार हर मामले में फेल है। अब आने वाले चुनाव में आप लोग किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? आने वाले समय में संविधान बचाने के मुद्दे पर हम लोग वोट कर रहे हैं, शिक्षा को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, रोजगार के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। और लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है सर आप? सर हमारा नाम राकेश कुमार पाल है, मैं ग्राम सरायचंदी का रहने वाला हूँ। मेरा ये तहसील फूलपुर से 12 किलोमीटर दूर घर पड़ता है, मैं यहाँ प्रॉपर जो है कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं? हम यहाँ पर जो है टाइपिस्ट के रूप में हूँ, तो हम यहाँ पर राजनैतिक मुद्दा आप उठा है तो हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भाइयों देखिए, पहले तो मैं इस भाजपा सरकार को बहुत ही अच्छा समझता था, तनिक जब इनकी सरकार, जब मतलब ये संपूर्ण रूप से सरकार में नहीं थे, टूटे फूटे रूप में इनकी सरकार बनती थी, तो हम इनको 3-4 बार जो है वोट दे चुका हूँ। लेकिन हमारे अंदर एक ही सोच था, ये इन्होंने धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी बजरंगबली का भक्त हूँ, इसलिए इनको समर्थन कर देता था। लेकिन जब इनका कारनामा वास्तव में पूरा सरकार बनने के बाद जो देखने को मिला, तो यही देखने के लिए मिला कि अरे यार ये सरकार तो हमारे जान पर भूखी है, हम लोगों को भागने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देने लगा, हम घबराने लगे कि कैसे भगवान जिया जाए। समस्या यह है कि पहला सरकार बनने के बाद सबसे पहले कोरोना देश में आ गया, जब कोरोना आ गया तो मोदी जी, अब चाहे कोरोना भाई हो, तो देश में थोड़ा ना, वो तो पूरे विश्व में कोरोना चलाता, पूरा तो देश में ही क्यों आए? पूरा विश्व में था, लेकिन हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें हमारे देश की जनता के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने सरेआम एक बैग ताबक तोड़ सारी व्यवस्था को ठप कर दिया, पता लग जो हमारे घर के लोग प्रदेश में बॉम्बे वगैरह में अर्जे थे, ट्रेन वगैरह एकदम बंद, मोटर सारी गाड़ियां बंद, वहां से बेचारे पैदल चल दिए क्योंकि कोई कारखाने वगैरह नहीं चल रहे थे, सब मरने लगे, रेलवे लाइन की पटरी से पैदल चल दिए। कोरोना की आप बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा उसके बाद चुनाव हुए 2022 में, आपने फिर भाजपा सरकार में, आप कह रहे बीजेपी खराब है। बात यह है बीजेपी सरकार का जो लोगों के अंदर बात इन्होंने डाला, इनके जो एजेंट है अंबानी अडवाणी के बहुत ही मजबूत है, वो मजबूत है, वो पब्लिक के आवाज को ऊंचा नहीं उठने दिए, लेकिन अब की बार पूरा पब्लिक का आवाज। अरे वोट तो आप लोग देते हो या अंबानी अडवाणी वोट देते हैं? आप किससे कहा, आप उनपे क्यों ब्लेम? वोट हम लोग देते हैं, लेकिन जब हमारे ही बीच के लोग किसी के साथ में जाकर उठते बैठते हैं, अगर कोई उसका खाता पीता है तो उसके जैसे बोलने लगते हैं। तो भाइयों मोदी सरकार की जो समस्याएं हैं, क्या कहेंगे जी साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है और किस मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ, मैं महेश कुमार यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता संघ फूलपुर। हम एक चाहते हैं कि जिस तरीके 10 वर्ष इन्होंने चलाया, जनता पूरी त्राहि त्राहि आ गई। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहे, जिस समय डिग्रियां हाथ से लिखी जाती है, प्रधानमंत्री की डिग्री उस समय कंप्यूटर से बन रही थी, अब बताइए सोचिए कि कितना झूठा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना गड़बड़ है कि शिक्षा पर टैक्स लगा रहा है, लेकिन आज और चीज देखिए तो उस पर कहीं कोई टैक्स नहीं, लेकिन सिर्फ शिक्षा। उनका मेन उद्देश्य है कि जनता पढ़ ना पाए, गरीब जनता गरीब बनती चली जाए, अमीर अमीर होते जाए, ये उनका उद्देश्य है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप शिक्षा की बात करें तो अभी आपने शिक्षा यूनिवर्सिटी को लेकर, कॉलेज को लेकर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का बयान सुना होगा, क्या कहेंगे? वो इतने झूठे हैं, कहते हो तो गिनती गिन रहे थे कि हर दिन, हर हफ्ते में यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 15 दिन में एम्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके बयान आए, इतने झूठे। आज देख लीजिए अस्पतालों में इतनी भीड़ लग रही है, आज भी मैं एक स्वरूप रानी गया था वहां, चूंकि कोई स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण गरीब जनता एकदम त्राय त्राय मची है,
शिक्षा के नाम पर इन्होंने ना तो कोई यूनिवर्सिटी बनवाया है, ना तो मेडिकल कॉलेज बनवाया, ना तो IIT, सिर्फ झूठना। इसलिए चाहते हैं कि गरीब लोग पढ़े ना और ना वो जागरूक हो, जिससे कि वो एकदम भ्रमित पड़े रहे, गरीब गरीब बनता है। वो केवल 5 किलो दाने पर वो चाहते हैं कि गरीब जनता पढ़े। मोदी जी एक बात कहते हैं कि जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग जो है ये परिवारवादी और जातिवादी लोग हैं, जो ये सब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे कितना इंपॉर्टेंट परिवारवाद हम बता रहे हैं। परिवारवाद देख लिए, सबसे घोटाला करने वाले गुजरात के ही लोग हैं, उनसे बड़ा परिवारवाद कौन होगा। जितने विदेश में पैसा लेके भागे हैं वो सब वही के गुजरात के हैं, उनसे बड़ा परिवारवाद क्या है। उनके भाई कहते हैं कि मोदी का कोई परिवारवाद है, अरे परिवारवाद उनके भाइयों की गणना कीजिए, सब सब कम पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे पद पे बैठाए दिए, उनसे बड़ा परिवारवाद कहाँ है। वो बहुत बड़े परिवारवाद है, केवल अपनी बात बताते नहीं, बस कहते हैं कि मैं मन की बात कर, मन की बात औरत से करनी चाहिए, वो मन की बात जनता से करने, जिनकी बात औरत से करनी चाहिए, अपने परिवार में बात करनी चाहिए, वो जनता से बात करते हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री पे क्या विश्वास किया जाए। आपको मन की बात पसंद नहीं है, उनकी मन की बात लोग अपनी औरत से करते हैं, जो गोपनीय बात होती है वो मन की बात जनता से करते हैं, केवल गुमराह झूठा भी करते हैं। उनसे झूठे कोई प्रधानमंत्री आज तक हो ही नहीं पाया, दोबारा नहीं। अब वो जाएंगे तो जल्दी आप वापस नहीं आएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। इधर क्या कहना चाहेंगे जी, फूलपुर की जनता का क्या माहौल है? आप काफी सीनियर हैं, काफी लंबे समय से रहे हैं। परिवर्तन चाहती है फूलपुर की जनता। कैसे परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन और देख चाहती है, जो लोकतंत्र का नियम है परिवर्तन वोट द्वारा, बाय द बैलेट, नॉट बाय द बुलेट। जिस दिन बुलेट पे आ जाएगी जनता से भाग जाएगी देश छोड़ करके। जो अत्याचार ज्यादा बढ़ता है तो क्रांति होती है, मार्क्स का नियम है, काल मार्क्स का। तो ये जिस ढंग से 10 साल मोदी के सरकार में जब से मोदी आए हैं, बेरोजगारी बढ़ी और जनता में या समाज में ये घृणा पैदा हुई, हिंदू में, मुसलमानों से और लोगों में झूठ बोलने वाले की संख्या बढ़ गई, भ्रष्टाचार की संख्या बढ़ गई, फीस इतनी लंबी ज्यादा हो गई, गरीब पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, बेरोजगार खत्म हो गए, कोई रोजगार नहीं बना, केवल कागज में हल्ला होता रहा, यह कर दिया, हुआ कर दिया, आसमान में चढ़ गए, मंगल पर घर बनाएंगे हम, यहाँ जगह नहीं है। तो ये सब दबारी के जिससे जनता उग चुकी है, झूठ बोलने से, बेरोजगारी से, भुखमरी से। आप अधिवक्ता हैं यहाँ पे, जिस तरह से अभी बनारस में नामांकन होने के बाद फिर खारिज कर दिए जा रहे हैं, और जैसा कि विकास संविधान खतरे, लोकतंत्र खतरे में, तो किस तरह से देखें? मैं हूँ रमाशंकर गुप्ता, एडवोकेट, मैं फूलपुर के टोटल रहने वाला हूँ, लोकल। मोदी जी के कारनामे कुछ तो ठीक रहे हैं, जो है जैसे उन्होंने धारा 370 कश्मीर खत्म किया वो सराहनीय है, इसी तरह से राम मंदिर का मुद्दा भी उन्होंने हल किया जो है, वो भी खत्म कर दिया जो है, वो भी हमें उससे संतुष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का साख बढ़ी है, हम उससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ कारनामे उनके जो अच्छे नहीं हैं मिले हैं, जिससे गरीबी पर उनका अंकुश नहीं रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जो है शिक्षा पर भी उनका जो है, गरीबों को जो शिक्षा मिल रही है केवल जाके मिड डे मील खाएं वो पढ़ें वहीं, उनके लड़के IGS PCS अधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं बन सकते, बड़े आदमियों के लड़के ही जो है अधिकारी बनेंगे, इस पर भी उनका कोई अंकुश नहीं है। अस्पतालों पर भी उनका नियंत्रण नहीं, दवा पर नियंत्रण नहीं, दवा बहुत महंगी होती जा रही है, गरीब आदमी दवा खरीदने की योजना लेके आए तो हैं, 5 लाख का फ्री दे तो रहे हैं, लेकिन उस सबको कहाँ मिल पा रहा है, कुछ कागज पर है या कुछ गिने चुने लोगों को मिल रहा है। इनके कुछ कारनामे अच्छे हैं, कुछ कारनामे बुरे हैं, उनको उनका सुधार करना चाहिए, तभी जो है जनता इनसे संतुष्ट हो पाएगी। जनता इसमें जो है गरीबी से बहुत ज्यादा पीड़ित है जो है, इसलिए जो है मोदी सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट नहीं है जनता इनसे। फूलपुर में किसका माहौल चल रहा है, क्या हवा है, किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में वोट? फूलपुर में गठबंधन की माहौल है, और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन के लिए यहाँ वोटिंग हो गई, और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, मनवादियों को हटाने के लिए, RSS को हटाने के लिए हम लोग वोट करेंगे। किस तरह का सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं? सामाजिक परिवर्तन हमारी 90% भागीदारी यहाँ बैकवर्डों की, पिछड़ों की है, और ये लेटरल
एंट्री के जरिए 340 इन्होंने आईएएस को रखा, जिसमें सभी सवर्ण को रखे, हमारी जो है समाज के लिए एक कलंक है, ये भारत सरकार के लिए एक कलंक है, आरएसएस के लिए एक कलंक है। ऐसी बेहुदा सरकार को हटाने के लिए जहाँ संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हों, सभी प्रतिष्ठानों में, सभी संस्थाओं में सभी फॉरवर्ड भरे भरे पड़े हैं और बैकवर्ड यसी वहां से हमें हटाया जा रहा है, हमारे अक्षर को हटाया जा रहा है। नहीं संतोष को अंत में संविधान को हटाने के लिए उन्होंने बात कर रही है, उनके चाहे हेगड़े हो चाहे लालू सिंह संसद अयोध्या के हो, ऐसे ऐसे तमाम उनके आर्थिक सलाहकार सचिव जो है उन्होंने खुलेआम कर दिया कि हम 400 सीटें दीजिए हम संविधान बदलेंगे, ये कतई स्वीकार नहीं है। देश में क्रांति पैदा हो जाएगी, आग लग जाएगी। सत्ता परिवर्तन के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम वोट करेंगे गठबंधन को, सरकार लाएंगे। अच्छा, लोकल जो लोकल फूलपुर में, जैसे फूलपुर में लोकल कुछ बुनियादी मुद्दे, जिन मुद्दों के साथ आप जो यहाँ के हैं, जिन पे आप बात करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट होगा। अच्छा, वो राष्ट्रीय मुद्दे होगा, राष्ट्र को बचाने के लिए होगा, देश को बचाने के लिए होगा। अच्छा। इन्होंने चीन में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में 4,500 किलोमीटर चीन कब्जा कर लिया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ये कह रहे चीन की हिम्मत नहीं, आप कह रहे मोदी जी के चीन की हिम्मत नहीं। मैं कह रहा हूँ वो पाकिस्तान को हर किस्म की झूठ देते हैं। अच्छा। चीन के विषय में कोई बात नहीं करते वो। अच्छा। चीन को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं वो। कौन बेच रहे हैं? आरएसएस वाले बेच रहे हैं, पूंजीपति भाजपा सरकार बेच रही है। हम कतई स्वीकार इसको नहीं करेंगे, इसकी सरकार सत्ता में रहे। मोदी जी ने कहा था 2014 में, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूं, आप कर दे। तो उन्होंने तो कहा था 15 लाख के खाते में आपके आ जाएंगे, आपके खाते में कई पैसे आए हैं, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, कितनी नौकरी आपने प्राप्त कर लिया है बताइए आप। उनके बातों में ये जुमलेबाज है, ये नंबर एक झुठा है, इनको कतई देश माफ नहीं करेगा। अच्छा। और भाजपा और आरएसएस देश की इतिहास की चीज बनने जा रही है, अब दोबारा ये लौट कर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ये देश के लिए खतरा है। मोदी जी कह रहे हम दोबारा, अरे वो तो कहते रहे, वो तो 47 तक रहे हमारे, वो झंके के 47 जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे, वो कैसी बात करते हैं। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, वो 74 साल को हो गए, 75 साल की रिटायरमेंट ही है, इसलिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह के नाम पर वोट कोई पा नहीं सकता है, और छिपे हुए वो बात करते हैं, राज के छिपाए हुए है वो। अच्छा। इस चीज को देश कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को जो है सत्ता में लाने के लिए, और दूसरी चीज देश को बेचने के लिए, देश को जो है बर्बाद करने के लिए, और सामाजिक जो है सौहार्द को खत्म करने के लिए। धर्म निजी मुद्दा होता है, धर्म के नाम पर वोट नहीं लिया जा सकता है, धर्म के नाम पर देश को बेचा नहीं जा सकता है। हम यहाँ की जनता कतई नहीं स्वीकार करेगी इस चीज को। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए वोट देंगे, अपनी रक्षा के लिए देंगे, संविधान के लिए रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वोट करेंगे। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे हमारे लिए गौण है। तो आपने सुना यहाँ पे अधिवक्ता थे, इन्होंने कहा वोट करेंगे संविधान के नाम पर, संविधान खतरे में, संविधान के लिए हम लोग वोट करेंगे, और इन्होंने कहा वोट करेंगे तो इंडिया अलायंस को करेंगे, क्योंकि हमने 10 साल बहुत देख लिया, मोदी जी के जुमले बहुत देख लिए। आगे आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।